मशरूम तो हमने कई बार बनाया है, मगर जो आज मशरूम बना रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके का मशरूम है। सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है मशरूम, खाने में इतना मज़ेदार लाजवाब है। इसे एक बार बना के तो देखिए, आपको इतना ज़्यादा पसंद आने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज जो हम मशरूम बना रहे हैं वो है गार्लिक मशरूम। खाने में शानदार, देखने में तो मज़ेदार है। आपके गेस्ट आएंगे, ये रेसिपी ज़रूर बनाना उनके लिए। इतनी लाजवाब बनेगी, इतनी टेस्टी बनेगी, शानदार तरीके की बनेगी। तो इस मशरूम को आप ज़रूर बनाइए। और इस मशरूम को बनाने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आई, चुटकियों बजाते ही कुछ ही मिनटों में तैयार हो गया है। और इंग्रेडिएंट्स तो इतने कम है इसमें पड़े हुए, आप कह नहीं सकते। देखने में लग रहा होगा कितने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं इसमें, कुछ नहीं डाला है, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स है इसमें। कम इंग्रेडिएंट के साथ आपके मशरूम काफ़ी शानदार बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मशरूम बनाना। जिसके लिए हमने मशरूम लिया है, कितना लिया है हमने, 200 ग्राम मशरूम लिया है हमने। बड़े साइज का लिया है, छोटा बड़ा मशरूम जैसा भी आपके पास हो आप मशरूम ले सकते हैं, कैसा भी हो। बस साफ तरीके से अच्छे ढंग से वॉश करके इसे क्लीन करके लेंगे। हमने वॉश कर दिया था पहले ही, इसे क्लीन कर दिया था। तो इसे आप बड़े छोटे टुकड़ों कैसे भी काट सकते हैं, आप चाहे तो इसे पूरा ऐसे भी रख सकते हैं। तो हमने इसे क्या करा है, काफ़ी बड़े साइज के, तो इसके 4 टुकड़े हम कर देंगे। आप चाहे तो 2 भी रख सकते हैं इसमें, तो हमने 4 पीसेस में कर दिए है ना। तो इस तरह से हमने सभी मशरूम के पीसेस कर देने हैं। और कोशिश करें फ्रेश मशरूम ही लें, फ्रेश मशरूम से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसका। इस तरह से मशरूम बनाने के काफ़ी ज़्यादा टिप अलग अलग तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। इस तरह से इसे मशरूम को हम काट दिया है हमने। सर्दी आ रही फ्रेंड्स, पता है आपको इसकी तामस काफ़ी गर्म होती है, इसे आराम से बना सकते हैं। आने वाले समय में इसकी आपको रेसिपी ज़रूर लेके आएंगे, वो भी सूप की। सूप भी काफ़ी ज़्यादा शानदार बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो हमने इसके लिए प्याज लिया है, जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। हमने 1 प्याज लिया है इसके लिए, काफ़ी जिससे टेस्टी लगता है इसमें प्याज भी। तो इसके साथ हम लेंगे गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन हमने क्या करा है ना, कद्दूकस होता है बारीक वाला, उसमें क्रश कर दिया। आप चाहे तो बारीक बारीक टुकड़े काट सकते हैं, तो क्रश करके उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो हमने इसे क्रश कर दिया है। और हरी मिर्ची लिए हमने, 2 हरी मिर्ची लिए, जिसे हमने बारीक बारीक टुकड़ों में काट देना है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, मुझे हरी मिर्च का टेस्ट आता है, काफ़ी लाजवाब टेस्ट आता है, तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे। तो इसमें हरी मिर्च ज़रूर डालें। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चे आपको पता है हरी मिर्ची नहीं खाते, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो सिंपल लाल मिर्च पाउडर होता है ना, वो भी डाल सकते हैं। इसे हमने काट दिया। थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, हम धनिया पत्ती ले लेंगे, आखिरी में गार्निश करने के लिए ले लेंगे, जिससे खुशबू काफ़ी अच्छी आती है इसमें। अगर आपको कुछ भी चीज़ नहीं पसंद आ रही है, इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे आपके घर में बनाते हैं ना, बस उसी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, बस बनाने का फॉर्मूला सेम है। तो ये भी हो गया है। तो हम गैस पर चढ़ा दिए कढ़ाई। अगर आपके उसमें बटर है, बटर डाल दीजिए, घी है, घी डाल दीजिए, जो भी आपको पसंद हो। अगर बटर डालेंगे तो बटर से टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा आता है, हम आपको बटर सजेस्ट करेंगे। तो हमारे पास नहीं पड़ा था, तो हमने इसमें क्या करा है, हमने घी डाल दिया है। 5-6 चम्मच इसमें हमने बड़े चम्मच घी डाल दिए हैं। और घी को अच्छी तरह से पहले गर्म होने देंगे। घी भी हमारा गर्म हो गया है। तो घी गर्म होते ही हमने क्या करा है, जो प्याज काटा था ना हमने बड़े बड़े टुकड़ों में, इसमें डाल दिया है। इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बिल्कुल ज़्यादा नहीं करेंगे, बस हल्का ही फ्राई करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हल्का फ्राई हो गया है। तो हमने क्या करा है, इसमें डाल दिए हमने हरी मिर्चें, और लहसुन रखा था ना हमने क्रश कर, इसे भी इसमें डाल दिया है। हल्का भून लेंगे इसे, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भूनेंगे, क्योंकि इसमें भूनता चला जाएगा ये। तो बस हल्का इसे भूनेंगे हम, इसे हल्का भून गया है। तो हमने क्या करा है, इसमें डाल दिए मशरूम, सभी मशरूम को इसमें डाल देंगे हम, अच्छी तरह से इसे फ्राई कर देंगे। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को करते समय हमें ढक्कन बिल्कुल भी नहीं लगाना। अगर आपने ढक्कन एक बार लगा दिया ना, तो सारा पानी रिलीज होना शुरू हो जाएगा मशरूम से। मशरूम आपको पता ही है फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ने लग जाता है। तो इसमें ढक्कन बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, और नमक बिल्कुल भी नहीं डालेंगे स्टार्टिंग में, नमक हमने आखिरी में डालना है। देख सकते हैं इसमें कितना पानी रिलीज होना शुरू हो गया है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी हो गया है। बस हमने हाई फ्लेम में चलाते रहना, लो फ्लेम में बिल्कुल भी नहीं करेंगे इसे। तो हमने क्या करा है यहाँ पे, हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। हमने 2 चुटकी डाला है इसमें लाल मिर्च पाउडर। इसके साथ ही हमने इसमें डाला है हल्दी, 1 चुटकी हल्दी डाल देंगे इसमें कलर के लिए। 1/2 चम्मच इसमें हम मसाला डाल देंगे। अगर आपको मैगी मसाला पसंद है तो उसे भी डाल सकते हैं, उसे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है इसमें। इसे भी अच्छी तरह से चला देंगे सभी मसालों को, जो भी मसाला आपको पसंद है, जिस फ्लेवर का बनाना है उस फ्लेवर का इसे बना सकते हैं।
बस वही टेस्ट आने वाला है। अगर आपको हल्दी पाउडर नहीं डालना तो इसकी स्किप भी कर सकते हैं। काफ़ी लोग क्या होते हैं ना, इसमें हल्दी नहीं डालते, यूं ही भी खाते हैं, तो ऐसे भी अच्छा लगता है। जैसा आपको पसंद हो, हमने पहले कहा है वैसे आप बना सकते हैं। इसमें तो इसे थोड़ी थोड़ी देर में फ्राई करते रहेंगे, तो हमने क्या करा है विनेगर डाला है इसमें, आधी चम्मच में विनेगर डालेंगे। इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, हल्का खट्टापन होता है ना बस तरह का आता है, काफ़ी टेस्टी लगता है। तो इसे भी इसमें चला देंगे। सब इसमें ऑप्शनल है, ऐसा कुछ नहीं इसमें कुछ डालना ही है, जैसा आपको पसंद है उस तरह आप कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। मगर इस तरह बनाएंगे जैसे हम बना रहे हैं ना, डेफिनेटली आपकी काफ़ी टेस्टी शानदार बनने वाली है। अगर आपके बच्चे मशरूम नहीं खाते तो आपके बच्चे मशरूम खाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह फ्राई करते रहेंगे, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज होने लगा है फ्राई करते करते, कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें। अब हमने क्या करा है आखिरी में, इसमें हमने आधी चम्मच करीबन इसमें नमक डाल दिया है। नमक अब आखिरी में डालेंगे, हमने पहले भी कहा है क्योंकि पानी स्टार्टिंग में डालेंगे ना तो पानी छोड़ने लग जाता है, तो इसलिए आखिरी में नमक डालेंगे। इसे भून लेंगे हम, इसे चलाते रहेंगे, बस इसे चलाते रहना है बीच बीच में कंटिन्यू, ऐसे नहीं इसे छोड़ देना है, बस इसे चलाते रहेंगे बीच बीच में इस तरह से। हम आपको सजेस्ट यही करेंगे, अगर बटर में बनाएंगे तो बटर में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है, अगर बटर है आपके पास तो। वैसे ऐसे नहीं, घी में भी काफ़ी अच्छा लगता है, मगर हमने इसे बटर में नहीं बनाया है। तो इसमें हमने आखिरी में डाल दिया धनिया पत्ती, इसे चला देंगे फिर से। ये हो गया है हमारा तैयार, सबको चलाने के बाद हम क्या करेंगे इसे गार्निश करेंगे। आप किसी के साथ भी खा सकते हैं इसे, पराठा के साथ काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है, या नान के साथ खाएंगे, नान के साथ भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इसमें जो कलर वाला होता है ना नूडल्स में डालते हैं, कलर वाला सिरका भी डाल सकते हैं, इससे इसका कलर काफ़ी अच्छा आता है। तो देख सकते हैं कितना पका है हमारा, ये काफ़ी अच्छा पक गया है। आप देख सकते हैं आसानी से हम इसे कट कर रहे हैं ना, आसानी से कट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल हमें इसे बिल्कुल गलाना नहीं है, बस हल्का इसका जो कच्चा पानी ख़त्म होना चाहिए, बिल्कुल पक जाना चाहिए, दांतों में बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह से पक गया है, ये हो गया है तैयार। अब इसे क्या करेंगे, इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे, हम आपको दिखाते हैं किस तरह बनाए हैं ये। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने प्लेट में निकाल दिया है, देखने में कितना शानदार लग रहा है। तरह से आप इसे आराम से बना सकते हैं, हम आपको कट करके दिखाते हैं फिर से एक बार, कट करने के बाद कितना आसानी से कट हो रहा है ना। बस इस तरह आपको पकाना है, बस ध्यान आपको ये रखना है नमक आपको आखिरी में डालना है, और जो ढक्कन है बिल्कुल भी नहीं लगाना, ढक्कन लगा देंगे तो सारा काम ख़राब हो जाएगा। तो इस टिप्स को आप ज़रूर ध्यान रखना। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको हमारी रेसिपी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ 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 एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताना आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। अगर नहीं पसंद आई तो वो भी प्लीज़ ज़रूर बताना। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ हम, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।